कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी व घटित घटना व रायगढ़ में एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर बिलासपुर में गुरुवार की रात महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हाथ में तख्ती लिए महिलाओं ने व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं के एक हाथ में व्यवस्था और रेप की घटनाओं के खिलाफ तख्ती तो दूसरे हाथ में मशाल नजर आ रही थी। महिलाओं ने मशाल जलाकर मेरी रात में सड़क के बैनर तले पैदल नाइट मार्च किया। प्रदर्शन कर रही महिलाएं मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और कोलकाता से लेकर छत्तीसगढ़ तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से कर रही थी। ये लोग जो कहते रहते हैं कि निर्भया भारत की बेटी है, अभी ये भारत की बेटी है, हम आपके बेटी तभी बनते हैं जब हमारे साथ बलात्कार होता है, जब हमारा मर्डर होता है तभी हम आपकी बेटी बनते हैं। और हमें सम्मान इसीलिए नहीं चाहिए, मतलब बोलते हैं कि आपके बहन के साथ होगा तो क्या, आपकी माँ के साथ होगा तो क्या, सही है, वो कहना पड़ता है कि मुश्किल चीज बोलने के लिए, क्योंकि जब एक निजी तौर से हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है अरे हाँ ये तो सही बात है। लेकिन मैं उसके अंदर भी जाना चाहूंगी, हम सम्मान के लायक इसीलिए नहीं है क्योंकि हम किसी मर्द से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम किसी के बहन हैं, हम किसी की बेटी हैं, हम किसी की माँ हैं, इसीलिए हमको सम्मान मिलना चाहिए। आजादी कितने समय बाद भी महिलाओं को उसकी आजादी अभी भी नहीं मिली है, और जब भी बलात्कार की घटना होती है, आपने कोलकाता की घटना देखा, वहाँ पर लगातार फैला दिया गया कि ये तो सुसाइड था। ऐसे ही वर्णिका कुंडू का कांड हुआ था बैंगलोर में, वहाँ पर भी उसको बोला गया रात के 3 बजे क्या कर रही थी आकर के। कठुआ में आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था। अभी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में पुसौर थाना के अंतर्गत 10 लोगों ने राखी के दिन मेले से आते समय एक महिला के साथ रेप किया। तो ये लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसमें इसके पीछे की जो हम जड़ है उस पे काम करने की कोशिश है कि चाहे रात हो दिन हो कुछ भी पहना हो नहीं पहना हो, आम आदमी के लिए महिला कोई संपत्ति नहीं है।